विशेष आग्रह पर आप सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं और जिनको अभी राज्यसभा का सांसद जो निर्विरोध निर्वाचित हुई है, आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, इस क्षेत्र के हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री रहे, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जनपद हरिद्वार के प्रभारी के नाते और आध्यात्मिक जगत के पूरे देश के अंदर जिनकी अपनी ख्याति है, जैसे आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आप सब लोगों ने यहां पर आकर इतनी चिलचिलाती धूप में, इस तपती गर्मी में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों ने यहां पर मुझे, डॉक्टर कल्पना सैनी जी को और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को जो आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, जो आपने अपना ये यहां पर आके हमारा उत्साह वर्धन किया है, आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ और सर झुकाकर मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के एक एक कर्मठ एवं ऊर्जावान सभी कार्यकर्ताओं को मेरा सादर नमन। आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की संकल्प शक्ति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में आप सब लोगों ने जो उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम किया, रुड़की क्षेत्र से आप लोगों ने भारी बहुमत से हमारे श्री प्रदीप बत्रा जी को इस चुनाव में जो आपने विजय श्री दी, आपने अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हर बार होता था, एक बार इस पार्टी की सरकार बनती थी, एक बार उस पार्टी की सरकार बनती थी, चार आम चुनावों में यह क्रम लगातार दोहराया गया। इस बार आप सब लोगों ने इस इतिहास को बदल दिया और पिछली बार भी भाजपा की सरकार इस बार फिर से 47 सीटें देकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया, एक इतिहास में का अवसर प्राप्त हुआ। आपके पूज्य पिता श्री पृथ्वी सिंह दीक्षित जी इस क्षेत्र के लिए हमेशा एक अभिभावक की तरह समर्पित रहे, आज बहन कल्पना सैनी जी उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलते हुए लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। जो उनके सपने थे इस क्षेत्र के गरीब वर्ग के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के वंचित लोगों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, मैंने उनके अंदर उस पीड़ा और दर्द देखा था, उस दर्द और उस पीड़ा को आगे बढ़ाने का काम अपने पिताजी से जो उनको विरासत में जो संस्कार मिले हैं, उस संस्कारों के कारण से उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम बहन कल्पना सैनी जी करेंगी। मैं बहुत शुभकामना देता हूं, वही संस्कार मैं बहन कल्पना सैनी में देखता हूं और आप भी क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा चिंतित और समर्पित दिखाई देती है। आपका एक स्पष्ट विजन है, आपका एक स्पष्ट स्रोत है, राज्यसभा में आपकी उपस्थिति से पूरे उत्तराखंड को आपका अनुभव का लाभ मिलेगा और जो सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का हमारा संकल्प है कि 2025 तक हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बनाना चाहते हैं, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, उसको अपेक्षित बल मिलेगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है स्वदेशो धर्मम प्रेम, अर्थात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है, ये तीनों लोगों के बराबर है। अपने देश अपनी मातृभूमि की सेवा करके हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद के दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। मुझे गर्व है कि मैं और आप एक ऐसे दल और ऐसी विचारधारा से जुड़े हैं जिसका हमेशा से मंत्र रहा है
व्यक्ति का ही चाहता है। ये परंपरा और ये सिद्धांत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदैव दीनदयाल उपाध्याय जी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज तक अनुवाद चली आ रही है और इसी संकल्पों को इसी संस्करणों को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज हमको जो नेतृत्व मिला है इसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और उसका अभिमान बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत का मान मान रही है, भारत की पहचान बढ़ रही है, भारत एक शक्तिमान भारत के रूप में आगे, एक शक्तिशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, जिस भारत की हम कल्पना करते थे, जिसकी हम सोच रखते थे, उस सोच के साथ आज लगातार हमारा देश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का हरेक कार्यकर्ता जन सेवा को अपना ध्येय मानकर उसने कार्य किया है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने राज्य में इस महान राष्ट्र के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारे सपने वो साकार रूप ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में जितनी भी योजनाएं बनी है 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए और समाज के अंतिम में छोर में खड़े हुए ऐसे लोग जो समाज में पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, आज लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, संविधान के सर्वोच्च पद का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है वो कितने पिछड़े इलाके से, आदिवासी इलाके से, जनजाति इलाके से आते हैं, जिन्होंने अपने मिली हुई पेंशन वो राज्यपाल रहने के बाद जो उनको पेंशन मिलती थी उस पेंशन से आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बनाने के लिए उन्होंने सारा पैसा लगाया, सारा पेंशन का अपना पैसा लगाया। आज उनके बनने से जैसे कल्पना जी के बनने से इस क्षेत्र में एक बड़े वर्ग में यहाँ पर एक आशा की किरण दिखाई दी है, एक ऊर्जा का संचार हुआ है। उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर आज जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जिनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है उनके बनने से भारत के संविधान के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा बढ़ने वाली है कि एक सामान्य व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। ये संकल्पना ये अगर किसी कालखंड में सच हो रही है तो आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सब जो लोगों के लिए जो दूर की बातें होती थी वो साकार रूप ले रही है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए क्योंकि मेरा मन था कि काफी देर तक आप सबके बीच में रहते और हमारे मंत्री नेतागणों की बात भी सुनते, आप सबको सुनने का अवसर भी मिलता, लेकिन एक कार्यक्रम हमारा यहाँ पर हरिद्वार में पहले से लगा हुआ है, उस कार्यक्रम में भी नियत समय पर पहुंचना है। इसके लिए बहुत ज्यादा मैं कहते हुए इस समय जो देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शी सरकार चल रही है और कुछ पार्टियां और कुछ दल केवल और केवल इसका विरोध करते हैं कि उनको विरोध के लिए विरोध करना है। भाइयों बहनों, मोदी जी जो भी योजना लाए हैं वो केवल गरीबों के लिए लाए हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि अगले 1.5 वर्षों के अंदर 10-5 लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, 10-5 लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। उन योजना में हमारे सभी नौजवानों को मौका मिलेगा, युवाओं को मौका मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को मौका मिलेगा। आज मैं इस अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए कि आज भारत भी सशक्त और भारत की सरकार भी, इसलिए आज हम उसको
गोली का जवाब देंगे। आज गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है। दुश्मन की अगर एक गोली आती है तो उसका जवाब दोनों को दिया जाता है। भाइयों बहनों, ये मोदी जी की सरकार मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है। भारत अब अपने हितों को अग्रिम कर अन्य देशों से भी जवाब दे चुका है और आज विकसित राष्ट्र भी भारत की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। साथियों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जिस विकास यात्रा पर अग्रसर है, हमें उत्तराखंड का उसका सबसे योग्य सहयात्री बनना है। उस क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, चार धाम यात्रा हो, चाहे हमारे यहाँ सड़कों का जवाब हो, चाहे हमारे कोरोना के दौरान वैक्सीनेशन का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाले हमारे प्रत्येक जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने की एक संकल्पना हो या एक कल्पना हो, हमारा ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो, चाहे आप दिल्ली से यूपी को आने वाली सड़क हो, देहरादून को जाने वाली सड़क हो, हरिद्वार को जाने वाली सड़क हो, ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आज जिसको हम मुमकिन नहीं समझते थे, जिसको नामुमकिन समझते थे, वो सारा का सारा आज मुमकिन हो गया है। मुझे आप सभी से अपेक्षा है कि आप सब नई ऊर्जा भरेंगे, उसके साथ सभी लोग एक संकल्प लेकर कि हम सब लोग उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, विकल्प नहीं संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में गिने जाएंगे। इस संकल्पना के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा। आप मेरी अपेक्षा को पूरा करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, आप सबसे अनुरोध करने आया हूँ, क्योंकि यात्रा केवल कुछ लोगों की यात्रा नहीं है। आप सब लोगों ने हमें मुख्य सेवक का दायित्व दिया है। आपने हमारी पार्टी की सरकार बनाई है, आपने यहाँ से माननीय मिशन जी को आपने यहाँ से लोकसभा में भेजा है, भाई प्रदीप बत्रा को विधानसभा में भेजा है। आपके सपनों को लेकर चाहे आज जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग मिलकर कल्पना की और सब लोग एक मुक्ति से मुक्ति बांधकर कदम से कदम मिलाकर जो हमारा श्रेष्ठ सपना है कि हम श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उसको हम सब लोगों ने साकार करना है। मैं इन्हीं सब बातों से आप सबका पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करते हुए कि आप इतनी तपती गर्मी में आपने इतना उत्साह वर्धन किया है, आपने मनोबल बढ़ाया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।